अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मरवा और जैनब को नहीं भूले थे कि मोटरवे पे नया हादसा हो गया, और ये हादसात आए दिन होते रहते हैं। अभी अखबारों की स्याही खुश्क नहीं होती कि नया इंसिडेंट हो जाता है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भी सख्त से सख्त एक्शन टेक करना होगा, और एज अ कम्युनिटी हमें भी सख्त एक्शन टेक करना होगा। गवर्नमेंट अगर एक को चौराहे पर लटकाएगी तो हजारों लोग इस हरकत से बाज आ जाएंगे, और इंसाफ जितनी जल्दी और फौरी मिलेगा उतना ही उसका इफेक्ट और असर ज्यादा होता है। और एज अ कम्युनिटी हम बेटियों की हया, मोडेस्टी और पर्दे पर फोकस करते करते ये भूल ही गए कि बेटों को भी पाकीजगी, पाक दामनी और हया की ज़रूरत है। उनकी भी उसी तरह तरबियत करने की ज़रूरत है जिस तरह बेटी की है। इज्जत अगर बेटी से जाती है तो बेटे से भी जाती है। ये मत कहें कि उसकी इज्जत लुट चुकी है, वो तो मजलूम है, मासूम है। इज्जत तो उस रेपेस्ट की लुटी है, जलील और ख्वार वो हुआ है। और इसी जहरीली सोच की वजह से मोस्टली लड़कियां खुदकुशी करने का सोचती हैं, और जो कोई बच भी जाती हैं या नहीं खुदकुशी करती हैं तो वो सारी जिंदगी जहनी अजियत और तकलीफ में गुजारती हैं कि अब उनकी कोई इज्जत नहीं रही है, वो वर्थलेस और डीवैल्यू हो चुकी हैं। और जब माशरा उनके साथ या दूसरे लोग उसके साथ बैड बिहेव करते हैं तो वो उसको बर्दाश्त करती हैं, और वो समझती हैं, मेंटली तौर पर प्रिपेयर होती हैं कि हमें ये बेइज्जती और जिल्लत सारी जिंदगी बर्दाश्त करनी है क्योंकि हमारी कोई इज्जत नहीं रही है। तो हमें इस सोच को बदलना है। वो तो मासूम है, पाकीजा है, उसी तरह पाकीजा है जिस तरह वो पहले थी। उसका तो कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। तो हमें उसको उसकी इज्जत देनी है, और अगर हम इस सोच को बदलेंगे तो उसका हक उसके हकदार को मिलेगा, और जो जलील और ख्वार होने के काबिल है वो जलील और ख्वार होगा, जो रेपिस्ट है।